इंडिया में रायबरेली से। रायबरेली से उत्तर प्रदेश से जी। और सऊदी में कितने टाइम हो गए होंगे? गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया से सऊदी जो लोग आना चाहते हैं नए वीजे पे, वीजा कहाँ से लें, किस काम में आए, किस काम को हमें सीखना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो एजेंट के फ्रॉड से हम लोग बच सकते हैं। तो इसी तरह से आज की इस वीडियो में एक शख्स है और इस वीडियो में उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। जितना हो सकता है मैं आप लोगों को क्लियर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सी ऐसी चीज है कि आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार दर्शन का सब्सक्राइब कर लीजिए, को भी वीडियो अपलोड कर तो उसका नोटिफिकेशन आप तक। तो आज की इस वीडियो में मेरे साथ है सानू भाई। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। और भाई कैसे हो? ठीक है। ये कुदरती स्टूडियो में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं खैर, यहाँ तो बहुत अच्छा फील होता है। खैर ये जो जगह है ना, ये मेरे रूम के पास है और एंटरटेनमेंट के लिए खाली टाइम पे यहीं पे बैठते हैं और सानू भाई को भी अपने स्टूडियो में लेके आए। फिल्म सिटी से भी बहुत ज़्यादा लंबा है तो बहुत अच्छा है भाई, गरीबों का स्टूडियो है। और सानू भाई आप कहाँ से हो इंडिया में? इंडिया में रायबरेली से। रायबरेली से उत्तर प्रदेश से जी। और सऊदी में कितने टाइम हो गए होंगे? 6 साल कम्प्लीट हो गया। 6 साल हो गए तो 6 साल शादी करके आए थे यहाँ सऊदी में या शादी से पहले? भाई अभी शादी तो भी जल्दी किया हूँ। कितने दिन होगा? हो गए 4 महीने तकरीबन। 4 महीने तकरीबन हो गए। और आप क्या फील हो रहा है, मतलब आना सही है या नहीं सही है आपके लिए? भाई आना तो देखा जाए, शादी बदना नहीं अच्छा लगता है। बाकी अगर लोगों के घर में ऐसी मजबूरी हो तो वो तो आएगा ही शादी के बाद भी। बस दुआ करो भाई शादी के बाद सब कोई बस इंशाल्लाह कि अपने मुल्क में ही थोड़ा बड़ा काम धंधा करो, बाकी यहाँ पे। सही बात है, सही बात है। जो आदमी को 6 साल हो जाता है सऊदी में, उसे क्या सैलरी होती है ड्राइविंग करते हुए खास करके? भाई नए आदमी का तो भाई 1500, बाकी जब रिटर्न हो जाता है 2 साल के बाद देखा जाए तो 1800-1900 ऐसे ही होता है। इंडिया से जो भी सऊदी आते हैं नए वीजे पे, अगर किसी ऑफिस से वीजा लेते हो ना तो आपको सैलरी मिलेगी 1400 नए बंदे का। अगर यही अगर आप किसी यार दो से वीजा लेते हो तो 1500 होगा। अगर किसी कंपनी से लेते हैं तो कंपनी से भी तो आप लोगों का सवाल होता था कि हमें कंपनी माना बेहतर है या किसी डोमेस्टिक वर्कर में। जहां भी अगर आपका जुगाड़ लगता है, चाहे कंपनी में हो या डोमेस्टिक वर्कर में हो, आप आ सकते हैं। खास करके अगर आप कंपनी में आते हैं ना तो कंपनी में थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कंपनी की जो ड्यूटी होती है ना वो टाइमिंग ड्यूटी होती है, जैसे 8 घंटे ड्यूटी, 10 घंटे ड्यूटी। और अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में आते हैं तो यहाँ पर ड्यूटी की टाइम नहीं होता है, ना सोने का टाइम, ना खाने का टाइम, किसी भी चीज़ का टाइम नहीं है। हाँ अगर सैलरी की बात करें ना तो कंपनी में आपको 99% उम्मीद है, या 90% कह सकता हूँ कि सैलरी टाइम से मिलेगा। और अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में आते हैं तो आपको 100% सैलरी मिलेगा, बेशक एक दिन पहले या एक दिन बाद मिलेगा। और आप लोगों का ये भी सवाल होता है कि हमें किस काम में आना चाहिए, तो मैं आप लोगों को एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आप कोई भी काम सीख करके आओ। अगर आप कोई काम सीख के नहीं आते हैं, हेल्पर में आते हैं, तो देखो टॉयलेट क्लीन करना भी हेल्पर का काम है और सोना पैकिंग करना भी हेल्पर का काम है। डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर के जाए। इसलिए अगर आप किसी भी काम की मालूमात करते हैं ना, सपोज करो किसी भी लाइन में चले जाओ, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या ड्राइविंग का होगा या किसी भी फील्ड के होगा, अगर आप 6 महीने भी काम करते हैं ना, 50% भी काम मालूम हो जाता है ना, और 50% आकर के आप यहाँ मालूम कर लेंगे। और बिल्कुल ही काम नहीं आता है तो वो आपको कोई भी काम लगा देगा कि कुछ भी करो और कोई भी काम सीख लो, तो ये ज़्यादा बेटर है। अगर सीख करके आते हो तो आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा और आपकी इज्जत भी होगी। अगर आप काम सीख करके नहीं आते तो आपको पैसा भी कम मिलेगा और उसके बाद इज्जत 2 पैसे का भी नहीं है, और आने में पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। यहाँ की लाइफ का क्या, यहाँ की बस नॉर्मल लाइफ है। आप किसी भी कंट्री जाओ, जो काम करने वाले आदमी उसे काम करना, मेहनत करना, मेहनत करने पे 2 पैसा हर जगह पे मिलता है। और जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं उनका सवाल बहुत से होते हैं हुरूप को लेके, तो इसके बहुत सारी ऐसी चीज़ होते हैं, उनके ऊपर मैं अपने न्यूज़ चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ रेगुलर। और ब्लॉग चैनल पे ज़्यादातर मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ, जो नए बंदे आना चाहते हैं, नए बंदे को मैं ज़्यादातर गाइड करता हूँ कि किस तरह से आएँ और क्या करें। नए बंदे के लिए यही है कि वीज़ा आप कहीं से भी ले सकते हो, और वीज़ा लेने से पहले एक बात का आप लोगों को खास करके ध्यान देना है कि बगैर सैलरी का एग्रीमेंट पेपर लिए आप सऊदी ना आए, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको एजेंट कहता है कि 1200 और प्लस 200 है, 1000 प्लस 300, तो आप प्लस और माइनस में मत जाओ। एजेंट को आप एक ही बात बोलो कि मुझे सीधी सी बात करो कि मुझे एग्रीमेंट पेपर कितने का मिलेगा, वो फंस जाएगा। फिर वो आपको क्लियर तरीके से गाइड करेगा कि आपको किस तरह से बोलना चाहिए और कितनी एग्रीमेंट पेपर की सैलरी आपको मिलना चाहिए। तो ये इस तरह से एग्रीमेंट पेपर आप लेकर के जरूर आएँ और जिस काम में आए वो कोशिश करो कि उस काम का थोड़ा बहुत मालूमात करके आए, ताकि आने के बाद आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो।
और मैं हर किसी को पूरी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, और हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम ट्विटर का भी लिंक देता हूँ, ताकि अगर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप लोग मुझसे ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल दिया गया है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।